प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बसें उपलब्ध कराने के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस में गतिरोध जारी। इस मामले में मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह और यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू पर बसों की लिस्ट देने में गलत जानकारी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। यह FIR लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है। बसों को परमिशन ना मिलने के आरोप में यूपी कांग्रेस के प्रमुख और अन्य पार्टी कार्यकर्ता ने आगरा यूपी राजस्थान सीमा पर ऊंचा नगला क्षेत्र में किया विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने मौके से हटा दिया। बता दें कि पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा के सचिव ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर सभी बसों की अनुमति देने का आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को ले जाने के लिए जिन 1,000 बसों की पेशकश की है, उनमें से कई पंजीकरण नंबर दोपहिया, तीन पहिया और कारों के हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन करते हुए चुनौती दी है कि योगी सरकार या बसों की कांग्रेस के मुताबिक बसें राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी है और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रवेश की अनुमति का इंतजार कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को पेशकश की थी कि अपने घरों को जा रहे प्रवासी श्रमिक एवं कामगारों के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा पर कांग्रेस 1,000 बसें मुहैया कराएगी। इस पेशकश पर उत्तर प्रदेश सरकार के दोपहिया एवं कार के पंजीकरण नंबर वाले दावे ने गतिरोध पैदा कर दिया है। कांग्रेस ने शुरुआत में दावा किया था कि राज्य की भाजपा सरकार उसकी पेशकश की अनदेखी कर रही है। और तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात से इनकार कर दिया। कोरोना लॉकडाउन के बाद घरों को जा रहे प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर राजनीति करने का आरोप मढ़ने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि सोमवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस की पेशकश को स्वीकार कर ली। सरकार ने कांग्रेस को कहा कि वह बस उसके ड्राइवर और कंडक्टर की सूची सौंपे, लेकिन गतिरोध यही नहीं हुआ लेकिन गतिरोध यही दूर नहीं हुआ। कांग्रेस के मुताबिक प्रियंका गांधी के निजी सचिव द्वारा सोमवार रात 11:40 पर रिसीव किए गए ईमेल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस से कहा कि वह मंगलवार 10 बजे तक बसों को लखनऊ भेजें। निजी सहायक ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि जब हजारों श्रमिक यूपी की सीमा पर एकत्र हैं, तो ऐसे में खाली बसें लखनऊ भेजना अमानवीय है और यह गरीब विरोधी मानसिकता का परिचय है। आपकी सरकार की ये मांग राजनीति से प्रेरित लगती है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों जो आपदा का सामना कर रहे हैं, उनकी मदद करना चाहती है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने जवाब दिया कि बसों को सीमा पर ही लाने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि 19 मई के पत्र के में आपके लखनऊ में बसें मुहैया कराने में असमर्थता जताई है और आप उन्हें गाजियाबाद और नोएडा में देना चाहते हैं। अवस्थी ने कांग्रेस से कहा कि वह 500 बसें कौशाम्बी और साहिबाबाद बस स्टैंड पर पहुंचा दे, जहां गाजियाबाद से के जिला अधिकारी उन्हें अपने पास ले लेंगे। अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस 500 बाकी बसें गौतम बुद्ध नगर के एक्सपो मार्ट के निकट लगवा दे और वहाँ के जिला अधिकारी को सौंप दे। अवस्थी ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश दे दिए गए हैं कि वो ड्राइवर एवं कंडक्टर के ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, परमिट, फिटनेस, बीमा आदि की जांच करने के बाद तत्काल बसों का इस्तेमाल करें। राज्य सरकार ने हालांकि कहा कि जिन 1,000 बसों की सूची सौंपी गई है, उनमें अन्य वाहन के पंजीकरण नंबर भी दर्ज है। इसके बाद बसों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस की ओर से मुहैया कराई गई सूची में मोटरसाइकिलों, तीन पहिया वाहन, एक एम्बुलेंस और निजी कारों के नंबर है। उन्होंने एक एम्बुलेंस कार और चार तीन पहिया वाहनों के पंजीकरण नंबर भी बताए। उन्होंने बताया कि यह ब्यौरा एम परिवहन ऐप के जरिए हासिल किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने हालांकि इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि 1,000 बसें हैं और अगर उत्तर प्रदेश सरकार को कोई संदेह है तो वह राज्य की सीमा पर वाहनों को सामने देखकर उनकी पुष्टि कर सकती है। प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह की ओर से अवस्थी को 19 मई की दोपहर लगभग 12:15 भेजे एक पत्र में कहा गया कि हमारी बसें कुछ बसें राजस्थान से आ रही है और कुछ दिल्ली से, इसके लिए परमिट देने की प्रक्रिया जारी है। बसों की संख्या चूंकि काफी ज्यादा है, इसलिए कुछ घंटे लग सकते हैं।
हम आपसे आग्रह करते हैं कि शाम 5 बजे तक यात्री की सूची और रूट मैप तैयार रखें ताकि हमें परिचालन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद अपराह्न 4:15 बजे संदीप सिंह की ओर से अवस्थी को भेजे पत्र में कहा गया कि पिछले 3 घंटे से हमारी बसों को बेरा ऊंचा नगला यूपी सीमा पर खड़ा है, लेकिन आगरा प्रशासन हमें की जिम्मेदारी प्रवेश नहीं होगी करने दे रहा है। सोशल डिस्टेंस हम आपसे मेंटेन करें पुनः बसों के अनुरोध अंदर करते भी हैं कि और हर संवेदनशीलता बस स्टॉप दिखाएं, बस डिपो कृपया बस स्टॉप हमारी के सभी ऊपर बसों को अनुमति जितने भी दें डिब्बे ताकि होंगे हम तुम्हारे आगे बढ़ बोर्ड सकें। होगा इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस दिल्ली में पार्टी के बसें चलना डीएनए में चालू हो है जाएगा, और बस एक घोटाला बस कांग्रेस में के 20 घोटाले से ज्यादा में नहीं पैसेंजर्स करी अलाउड है। नहीं होंगे। मौर्य ने कहा कि बस घोटाला बोफोर्स, बस में चढ़ने के टू जी पहले कोल गेट और आयुष्मंडल घोटाला की हर श्रृंखला में पैसेंजर की नहीं करी है। स्क्रीनिंग की जाएगी कांग्रेस बसों के नाम पर ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल और का हर ब्यौरा बस स्टॉप देकर के ऊपर मजदूरों का मजाक ट्रांसपोर्ट बना रही है। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मौर्य ने होगी एक अन्य कि ट्वीट में कहा सोशल कि डिस्टेंसिंग मेंटेन कांग्रेस करें अपनी बसों ही के चाल अंदर में भी फंस गई है, और हर बसों की सूची में भी घोटाला है। प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयत्न कर रही है और उसे अपना बर्ताव सुधारना चाहिए। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की आम जनता हैरत में है कि राज्य सरकार फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए हजारों बस का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास 1,000 बसें हैं तो उसे लखनऊ भेज देना चाहिए जहाँ बड़ी संख्या में लोग भर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है कि अगर कांग्रेस को बस ही देना था तो महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए दिल्ली और दिल्ली से यूपी इतने दूर क्रॉस करके जो मजदूर यूपी में पहुंचे हैं, आखिर महाराष्ट्र की सीमा पर ही बस क्यों नहीं दिया जा रहा? महाराष्ट्र के अंदर ही क्यों नहीं दिया जा रहा है? राजस्थान में क्यों नहीं दिया जा रहा है? दिल्ली के अंदर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों यूपी बॉर्डर पे दिया जा रहा है? बर्ताव पे संदेह लगता है, इसमें कहीं जोड़ा ही नहीं है। भैया मेरे आपके सरकार सवेरे से टीवी पर भाषण दे रही है कि हम 1,000 की अनुमति दिए पीछे।